छत्तीसगढ़ में हमेशा आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में उपेक्षित रहे हैं। 9 अगस्त को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद निचाम जी के द्वारा जब कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया जाता है, इससे यह बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी हित की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का शोषण कर रही है। चाहे हम हसदेव की बात करें, चाहे सिलगेर की बात करें, तालमेट। बात करें और भी कई घटनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के हित में काम नहीं किया, बल्कि केवल और केवल शोषण करने का काम किया। वनाधिकार कानून की बात करें, चाहे पेशा कानून की बात करें, किसी भी कानून को धरातल में उन्होंने नहीं पहुंचाया। और दूसरी तरफ आदिवासी हित की बात करने वाले अरविंद नेताम जी को हमेशा उन्होंने उपेक्षित किया, और यही वजह है कि वो मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिए। चूँकि इससे यह बात और भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीयत आदिवासियों के हित में काम करने का नहीं है, केवल वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, और जिससे बात तो स्पष्ट हो रही है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के लोग अपना रास्ता निश्चित रूप से अख्तियार करेंगे, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जैसे जो राजनीतिक दल हैं जो वोट बैंक का काम करती हैं, उन पार्टी को सबक भी सिखाएंगे। चुनावी आगाज तो कर चुके हैं और कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन भरोसे का सम्मेलन नहीं है, छत्तीसगढ़ के धोखे का सम्मेलन है। पूर्ण शराबबंदी हो गई आपकी, बेरोजगारों को 10 लाख पंजीकृत को भत्ता आपने दे दिया, आपने कहा है 1000 रुपये पेंशन देंगे, 1500 पेंशन देंगे, आपने दे दिया, और उसके बाद में आपने कहा कि मंडी टैक्स हम छूट देंगे, आपने कर दिया छूट। ये भरोसे का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ को धोखा देने का सम्मेलन है। अभी युवाओं का सम्मेलन हुआ था, हमारे युवा साथी उनसे पूछे कि साहब आपने पिछले बार ये कहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम उसको इस साल के फिर घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। तो एक 5 साल आपके पूरे निकल गए, घोषणा पत्र भी देख लिए, और किस बात का भरोसा आप दिला रहे हैं? जो भी वायदे किए, टीएस बाबा जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे, संयोजक रहे, उनका कहना है कि 12 घोषणा पूरा किए हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं 34 घोषणा पूरा किए हैं। इनके खुद में सामंजस्य नहीं है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बात करते हैं, तो ये भरोसे का नहीं है। छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किया है, आगे कैसे ठकेंगे उसके लिए नई नई ये रास्ता निकाल रहे हैं।